नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हर एक आदमी मेरे से पूछ रहा है। मैं कई बार कभी ट्रेवल करता हूं तो लोग मेरे से भी पूछते हैं ये बात, और YouTube चैनल पर लोगों के सवाल ये आए कि सुशील जी, इन पहलवानों के कान ये ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्या ये अखाड़े में आते हैं तो इनके गुरुजन इनके कान तोड़ देते हैं, या क्या होता है, किस तरीके से कान टूटते हैं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अखाड़े में जब बच्चा अखाड़े में आता है, गुरुजी के पास आता है, तो गुरुजी उसको अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका पूरी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे मेरे गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, उन्होंने मुझे हर वो चीज़ बताई कि किस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और गुरु का अपने से, गुरु ये सोचते हैं कि मैं जहाँ ख़त्म हुआ हूँ, जहाँ मेरी पहलवानी ख़त्म हुई है, जहाँ मैंने मेडल लिया है, उससे भी बड़ा मेडल मेरे शिष्य का होना चाहिए। तो गुरु की ये भावना होती है। गुरुजी कभी कान नहीं तोड़ते हैं, हाथ नहीं तोड़ते हैं, घुटना नहीं तोड़ते हैं, सिर नहीं फोड़ते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को बहुत प्यार करते हैं। मैं कान के बारे में आप लोगों को बता रहा था। ये कुश्ती में जब आप कुश्ती करना स्टार्ट करते हो, तो जब ये कान, कभी आपका हाथ लगता है कान पे, कभी आपका सिर लगता है, कभी घुटना लगता है ओपोनेंट का, और ओपोनेंट कई बार इस तरीके से गिराता है कि वो कान की ऊपर से लैंडिंग जब होती है तो कान की तरफ से ही गिरता है। तो जब ये कान टूट जाते हैं, कोई भी ऐसे कान नहीं टूट सकता, कोई भी इस तरीके से कान को तुड़वा नहीं सकता, क्योंकि जैसे हड्डी टूटती है उसी तरीके से कान टूटने पे भी दर्द होता है। और मैं तो बहुत हिम्मत पहलवानों की मानता हूं कि कान टूटने के बाद कोई कंपटीशन बीच में आ जाए तो वो कंपटीशन भी खेलते हैं टूटे हुए कान के साथ। तो मैं सभी जितने भी दर्शक हैं वो, मैं उनको बता दूं कि पहलवान के कान जो टूटते हैं वो कुश्ती करते हुए टूटते हैं, और जब कान टूटता भी है तो उसको पता भी नहीं लगता है कि आपका कान टूट गया है। मगर उसके जब वो जैसे ही ठंडा होता है, जैसे भी वो कूल डाउन करता है, उसके बाद उसको पता लग जाता है कि कान टूट गया, और उसमें पानी भर जाता है, और वो पानी भर के इतना नरम हो जाता है, जैसे उसको कोई थोड़ा सा भी टच करे तो बहुत दर्द होता है, सोते सोते भी वो करवटें नहीं बदल सकता। तो इतना दर्द कान टूटने के बाद पहलवान सहन करता है। और उसके बीच में मैंने बताया कि कोई कंपटीशन, कोई टूर्नामेंट आपका आ जाता है, तो उसका भी वो लक्ष्य रखता है कि मुझे इस टूर्नामेंट में अच्छा करना है और जीतना है। और वो एक दिन में नहीं जीत सकता, उसको उस तरीके की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो पूरा उसी तरीके से वो ट्रेनिंग को रखता है, कान टूटे टूटे भी वो बांध के रखता है, उसमें कत्था लगाता है या हल्दी लगाता है, इस तरीके से उस कान को वो ठीक करता है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ दर्शकों को कि कई लोगों को ये वहम रहता है कि पहलवान के कान टूटे हुए तो इसको सुनता नहीं है, उसको सुनता भी बहुत अच्छे तरीके से है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ज़्यादा सुनने लग जाता है टूटने के बाद, ज़्यादा वो एकदम से नज़र जाती है कि हाँ भाई कौन क्या बोल रहा है। तो मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि कान जो है वो तोड़ा नहीं जाता है, और कोई गुरुजन कान नहीं तोड़ते हैं अखाड़े में आते ही, कोई सीनियर पहलवान कान नहीं तोड़ता है, वो खुद ही रेसलिंग में करते करते टूट जाते हैं। और मेरे गुरुजी ये कहते हैं कि जिन पहलवानों के कान टूटे हैं तो वो, जैसे हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो गहने पहनती हैं, वो गहना गुरुजी बोलते हैं, कान टूटा हुआ पहलवान जो होता है उसको कुश्ती जगत में ये बोलते हैं कि ये इसका गहना है। तो मैं सभी दर्शकों को कान के बारे में मैंने ये बताया कि पहलवान के कान टूटे हों तो उसको ये ना समझें कि इसके गुरुजन ने ये कान तोड़ रखे हैं, या कहीं लड़ाई में तोड़वा के आया हुआ है ये, या किसी ने घुटना टेक के इसके कान तोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि कान इस तरीके से टूटता है, और ये कोई भी लोग किसी तरीके की बात करे तो वो भ्रमित नहीं होना है आपको। और बस मैं यही कहूँगा कि पहलवान को चोट लगती रहे, कान टूटता रहे, हाथ टूटते रहे, मगर जो आपका लक्ष्य है वो नहीं टूटना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य वही बना के रखना है, ओलंपिक चैंपियन। और अगली जो वीडियो हमारी होंगी उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से कुश्ती में दाव लगाने के प्लान तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से ओपोनेंट को डिफेंस, अटैक, काउंटर अटैक, ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा।
और जितने भी हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत प्यार सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।